की तोप रखी हुई है, ये असली तोप है। ऐसा फील आ रहा जैसे कि हम राजा महाराजाओं के जमाने के सैनिक हो। बाकी बीच में इतना सारा पानी पानी है, पानी ना होने से तो अच्छा है कि बाइक पर नंबर प्लेट है। पानी में तैरते हुए ना भाई लोग सामने देख रहे हो वो है दीव शहर और इधर है पानी। दीव शहर के उस तरफ है पूरा समंदर, बिल्कुल खुला मैदान और बीच में पानी भरा हुआ। सो गाइस फाइनली अपन लोग एंटर हो चुके हैं दीव सिटी के अंदर। सो हे गाइस गुड इवनिंग फ्रॉम दीव। तो इंडिया राइड के एक और एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। और गाइस लास्ट वीडियो में आपने देखा था हम द्वारिका से निकले थे, सोमनाथ होते हुए पहुंचे थे दीव। तो आज की वीडियो की शुरुआत इस खूबसूरत से नज़ारे के साथ में हो रही है दीव में। आज थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और आप लोगों को भी घुमाएंगे अपनी वीडियो के थ्रू। ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं दीव सिटी के अंदर। वैसे अंदर तो एंटर हो गए, और भी अंदर चलते हैं। कुछ जगह हैं दीव के अंदर जो आप लोगों को मुझे दिखानी है। और अपने अरविंद भाई मुझे यहाँ पर मिले और उनका होम टाउन दीव से थोड़ा सा आगे है, वो मेरे लिए यहाँ पर आए। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि नंबर प्लेट भी हमारे एक भाई लेकर आ रहे हैं। अरविंद भाई ही थे जो हमारी नंबर प्लेट लेकर आए। मे भी शायद कसने से लग भी गए, वो डुप्लीकेट है, बट यार ना होने से तो अच्छा है कि बाइक पर नंबर प्लेट है। तो अरविंद भाई बताएंगे एक दो जगहों के नाम कि हम कहाँ कहाँ जाने वाले दीव में। तो किला एक्सप्लोर करेंगे, दीव का किला और नागवा बीच जाएंगे। नागवा बीच जाएंगे, अच्छी जगह है। अरे बहुत। तो भाई लोगों बहुत ही सुंदर सी जगह है यार दीव। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी अन्य टापू पर आ गया हूँ, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी है, बीच में बसा हुआ है ये शहर। अरे बाप रे बाप, इधर तो जहाज भी खड़े हुए हैं और यहाँ पर बहुत सारी मूवियों की शूटिंग वगैरह भी हुई है। यहाँ देखो इतनी सारी नाव वगैरह, भयंकर छोटे छोटे जहाज भी खड़े हुए हैं पानी के। बड़ा सा जहाज भी दिख रहा है वहाँ पर खड़ा हुआ। मैं तो अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ये सब, पहले कभी मूवियों में ही देखा करता था। पर भाई साहब यहाँ पर जो नाव जहाज खड़े ना, इनको देखकर थोड़ा दिल सा उथल पुथल कर रहा है। तो भाई लोगों भूख लगी हुई थी, दिमाग में थी बहुत तेज गर्मी क्योंकि इतनी दूर से धूप में चलता हुआ आ रहा था। तो मैंने सोचा पहले पी जाए लस्सी, उसके बाद में कुछ करते हैं। तो मैं यहाँ लस्सी पीने के लिए रुका था। और सबसे पहले डेस्टिनेशन विजिट जो करने वाले हैं, हम करने वाले हैं नागवा बीच। देखो यार कितनी सुंदर सी जगह है यार, कितनी सफाई है यहाँ पर। मैंने कभी सोचा नहीं था अपनी लाइफ में इतनी जल्दी यहाँ तक पहुँच जाऊँगा कि मैं अपनी रीमो को यहाँ तक लेकर आया। इधर है पार्किंग, यहीं बाइक को पार्क कर देते हैं और थोड़ा सा बैठ कर देखते हैं नज़ारा। सो फाइनली भाई लोगों अपन लोग पहुंच चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हो दीव का किला। और यहाँ पर पुराने ज़माने की तोप रखी हुई है, ये असली तोप है जो कि अब वर्क नहीं करती हैं। और भाई साहब यहाँ से जो नज़ारा दिख रहा है ना समुद्र का, एक अलग ही लेवल का दिख रहा है। और यहाँ पर बैठकर तो सेम ऐसा फील आ रहा है जैसे कि हम राजा महाराजाओं के ज़माने के सैनिक हों और यहाँ लड़ने के लिए बैठे हों इन तोप के साथ में। सामने देखो, मतलब फील वही आ रहा है जो पुराने ज़माने में लोग लेते होंगे ना यार, वो कितना मस्त तरीके से इस चीज़ को फील कर पाते होंगे। क्योंकि उस समय पर ना ये सारी चीज़ें रियल हुआ करती थी, युद्ध वगैरह, भयंकर ख़तरनाक सीन होता होगा ना जब। और ये तोप तो रियल है बट अभी वर्क नहीं करती है, जैसे कि आप देख सकते हो। ऐसा बहुत कुछ है इस किले में देखने को, बट अभी हमारे पास में थोड़ा टाइम कम है। तो फिर कभी आएंगे यहाँ पर और आप लोगों को एक एक चीज़ डिटेल से दिखाएंगे। क्योंकि यार देखो मेरे जो GoPro ना, उसकी बैटरी लो हो गई है। मैं रास्ते में से आ रहा था तो बाई मिस्टेक मुझसे अपना जो कैमरा वो ऑन हो गया और वो पूरे रास्ते ऑन ही रहा, बस सिर्फ 3% बैटरी, जिसके बावजूद मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मुझे नहीं पता कि GoPro कब बंद हो जाए। तो भाई लोगों नज़ारा देख लो थोड़ा सा, और बाकी मैं इंस्टा 360 से भी आपको यहाँ का व्यू दिखा ही दूंगा।
फाइनली भाई लोग अपन लोग निकल चुके हैं किले से। और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपको इस किले के बारे में जानना है तो मैं एक फोटो डाल देता हूं आपके लिए। इस किले के बारे में कुछ जानकारी लिखी हुई है इस वाले पेज पर, वीडियो को पुश कीजिए और आराम से पढ़ लीजिए इस किले के बारे में। और भाई साहब इतना ज़्यादा थक गया हूँ कि यार बोलने को भी मन नहीं है मेरा, क्योंकि 350 किलोमीटर से ज़्यादा मैं बाइक ड्राइव कर चुका हूँ अब तक। आधा ऑफ रोड था, आधा प्लेन रोड था, बाकी आप समझ ही सकते हो यार गर्मी में बहुत ही ज़्यादा यार हालत ख़राब हो गई मेरी। 110 किलोमीटर और जाना आगे की तरफ। वैसे मेरा प्लान तो यहीं रुकने का था, बट सारी मार्केट वगैरह सब कुछ बंद है यहाँ पर। अब पता नहीं क्यों बंद है, ये तो मुझे भी नहीं पता, और सब कुछ खाली पड़ा हुआ इधर। तो फटाफट से क्या करते हैं, यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं आगे की तरफ। और आगे कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये तो अभी तक मैंने ही प्लान नहीं किया। वैसे मेरा प्लान तो भावनगर जाने का है, और अगर हो सकता है तो भाई बीच में रोक लें यार। तो भाई लोगों, ये वाला जो पुल देख रहे हो ना, यू जो शहर है वो इस वाले पुल से ही कनेक्ट है। बाकी बीच में इतना सारा पानी है। और वैसे ये गुजरात में नहीं आता है, ये गुजरात में ही, बट आता गुजरात में नहीं है। यहाँ पर सरकार चलती है केंद्र की, और ऐसा क्यों ये तो मुझे भी नहीं पता। पानी में तैरती हुई नाव चल नहीं रही है, एक जगह बंधी हुई है, बट पानी के ऊपर यूं करके लहरी हैं। आय हाय हाय मज़ेदार। तो भाई लोगों, यहाँ से होती है एंट्री और यहीं से होता है एग्जिट। तो भाई लोगों, बाइक चलाते चलाते हो गया शाम, और भाई साहब पूरा अंधेरा हो रखा है, और जगह तो मुझे भी नहीं पता कौन सी है ये। मैं सिर्फ अरविंद भाई के पीछे पीछे चल रहा हूँ। अरविंद भाई पता नहीं कहाँ लेकर जा रहे हैं। तो अरविंद भाई बोल रहे हैं कि बस पहुँचने वाले हैं। इधर पहाड़ी वाड़ी बहुत ज़्यादा है और जंगल भी है, और बोल रहे थे थोड़ा सा सेफ्टी से चलाना, क्योंकि जानवर रोड पर कई बार यूं ही आ जाते हैं। सो भाई लोगों, अपन लोग पहुँच चुके हैं अरविंद भाई के पास, घर पर पहुँच चुके हैं। और अरविंद भाई ने देखो खाने में इतना सारा सामान बनवा रखा है। क्या क्या है एक बार बताओ। ये है कंटोला की सब्जी, कंटोला की सब्जी, और ये दूध, ये दूध, ये लक्षम का अचार, ये क्या लक्षम का अचार है, लक्षम का अचार, लक्षम, हाँ लक्षम, लक्षम, लहसुन आते हैं, अच्छा लहसुन, लहसुन का अचार है ये। ये तो मिर्चें, और ये किस चीज़ की रोटी है, ये है बाजरा का रोटला, रोटला, गेहूँ की रोटी, ये गेहूँ के पराठे, ये गेहूँ के पराठे, और वो सूजी का, वो सूजी का बनाया हुआ मीठा कुछ, और ये है सूखी भाजी, ये सूखी भाजी। मतलब यार देख लो, अरविंद भाई ने इतना कुछ बनवा दिया। ठीक ठाक पहुंच गए अपन लोग, और भाई साहब ये समझ लो कि आज तो पूरी बैंड बज गई, वोट लग गई बाइक चलाते चलाते। पता नहीं कहां कहां से लेकर आए और कैसे कैसे लेकर आए, और जगह का नाम तो मुझे भी नहीं पता, कौन सी जगह आई ये जैसर, जैसर भावनगर के पास में ही है, विलेज है ना, भावनगर के पास में ही विलेज है। तो गाइस अब खाते हैं खाना और जाकर वीडियो एडिटिंग का काम कर देंगे शुरू। यार बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ इस वीडियो कर देते हैं यहीं पर एंड। होप सो कि आपको आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो पता क्या करना बताओ, वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कर देना, और चैनल का भैया के चैनल का सब्सक्राइब कर देना। तो वीडियो करना लाइक और चैनल करना सब्सक्राइब, और वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और दोस्तों के पास में शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय 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 बाय।